अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल फाइन। एज यू नो वी आर डिस्कस आवर चैप्टर नंबर 6 द रिवॉर्ड रिटन बाय लॉर्ड एंथनी। एज यू नो वी ट्रांसलेट सेकेंड लास्ट पैसेज ऑफ आवर लेसन यस्टरडे, नाउ टूडे वी ट्रांसलेट आवर लास्ट पैसेज ऑफ द लेसन। टूडे वी डिस्कस द लास्ट paragraph, and in this paragraph we come to the conclusion that who was the right man, Tibbet or Jorkins. Now let's start our last paragraph of translation. जी, तो आज ये हमें क्लियर हो जाएगा कि जो एक डिस्कशन शुरू हुई थी हमारे पैराग्राफ नंबर 1 से कि अपॉर्चुनिटी जीतती है या डिटर्मिनेशन ज़रूरी है। तो टर्बिट जो है वो सारी स्टोरी सुन रहा था जॉर्किंस की, जो जॉर्किंस ने उसको सुनाई, गॉर्जियस की जो स्टोरी सुना रहा था। तो आज गॉर्जियस की जो स्टोरी है वो अपने कंक्लूजन तक, अपने अख्ताम तक पहुंच जाएगी, तो उससे हमें पता चलेगा कि उनमें से कौन शख्स जीतता है, किसकी बात जो है वो अपनी बात जो है प्रूव कर पाता है। तो हम बिल्कुल एंड पे हैं स्टोरी के, आज ये आपके पास क्लियर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। He came to the hurdles. हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि वो सारी जो है इनोग्रेशन सेरेमनी हो चुकी है, वो वहाँ पे आ गया है। गॉर्जियस उसका बड़ा शानदार इस्तकबाल हुआ है। अब वो उन हर्डल्स के पास आया है क्योंकि कोर्ट एक्रोबेट की वो वैकेंसी थी, इसके लिए जाहिर है उन्होंने सारी अरेंजमेंट वैसे की हुई हैं। उसको वहाँ पर लाया गया है, जो एक्रोबेट होते हैं उनके लिए जो सेटिंग की जाती है वो सारी की हुई है। अब वहाँ पे गॉर्जियस को लाया गया है, अब वो देखते हैं कि वो वहाँ पे क्या करता है। ही केम टू द हर्डल्स दैट ही रिमेंबर्ड, वो उन रुकावटों के पास आया जो उसे याद थी, ओवर विच वंस ही हैड वॉन सो ईजी विक्ट्री, और एक दफ़ा उन्हें फुलाकर उसने कितनी आसानी से फतह हासिल कर ली थी। ये जो गॉर्जियस है उसको अपने बचपन की बात याद आ रही थी, जब हमने पढ़ा था कि वो बड़ा अच्छा एथलीट था, उसने जो रुकावटों वाली हर्डल रेस थी वो बड़ी जीत ली थी, उसको वो वहाँ पे याद आई थी कि इसने कितनी आसानी से ये जीत ली थी। अब वो कंपैरिजन कर रहे थे तब कितनी आसानी थी, अब क्योंकि 60 साल गुजर चुके हैं तो अब क्या है। ठीक है। एज ही केम टू द फर्स्ट ही लुक्ड अप फॉर अ मूवमेंट विद अ स्लाइट सैड एक्सप्रेशन, जो ही वो पहली रुकावट पर आया इसने कदरे सुरदा तास्तुर के साथ ऊपर की तरफ देखा। किस तरफ देखा? शाही चबूतरे की तरफ लम्हे के लिए देखा। एज दो ही आस्क्ड सम क्वेश्चंस विद हिज आईज, जैसा कि वो अपनी आंखों में कोई सवाल लिए हुए हो। वट एवर द क्वेश्चन वाज, इट वाज एट वंस अंडरस्टूड, सवाल जो भी था फौरन समझ लिया गया। रॉयल स्माइल्स वर डायरेक्टेड टुवर्ड्स हिम, उसे शाही तबस्सुम से नवाजा गया, यानी कि जितने भी शाही लोग ऊपर बैठे हुए थे उन्होंने उसे मुस्कुराहट से नवाजा। सवाल क्या था? यानी कि वो उनकी तरफ देख रहा था कि वो कैसे इन हर्डल्स को जो है वो जंप करके जा सकता है, तो उनको समझ आ गई कि वो क्या देख रहा है, तो उन्होंने उसको स्माइल के साथ उसकी हौसला अफजाई की है। एंड जेंटल अपलॉज ब्रोक आउट फ्रॉम एवरी हैंड, और हर हाथ उसे दादे तहसीन पेश करने लगा, यानी कि हर हाथ जो है वो खुश होकर उसके लिए तालियां बजाने लगा पुरजोश अंदाज से। विच ही अंडरस्टूड एट वंस, जिन्हें वो फौरन समझ गया। एंड द ओल्ड बेंट फ्रॉम मूव्ड ऑन अवे फ्रॉम द हर्डल, और वो जो झुकी हुई कमर वाला बूढ़ा है रुकावटों से दूर होता चला गया, यानी कि वो समझ गया कि उनको ये ज़रूरत नहीं है कि वो जंप करके दिखाए, इसलिए वो खुद उन रुकावटों से दूर होता चला गया। वंस ही रेज्ड अ हैंड टू टच द लोएस्ट of the swings that were hung from the roof, जब इसने छत से लटकते हुए झूलों में से सबसे बुलंद निचले झूले को छूने के लिए हाथ बुलंद किया। बट अगेन द अपलॉज ब्रोक आउट, लेकिन एक दफ़ा फिर उसके दादे तहसीन के लिए तालियां बजाई गईं, अशोरिंग हिम दैट नो एक्चुअल एक्टिविटी वाज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम, उसे ये यकीन दिलाने के लिए कि उसे कोई भी हकीकी करतब दिखाने का मुतालबा नहीं किया गया है या नहीं किया जा रहा है। एंड सो, और इसी तरह, हैविंग मेड हिज बोज ही वॉज लेड टू सीट हिज लाइफ एम्बिशन अचीव्ड, और चुनाचे उसके इजहार तशक्कर के तौर पर झुकने के बाद उसे एक नशीस्त तक लाया गया जहाँ इसका मकसद, जो जिंदगी का मकसद था, वो तकमील को पहुँच चुका था।
इट मस्ट हैव टेकन हिम मोर देन 60 ईयर्स टू डू इट, और इसको इसे पूरा करने के लिए या इस तक पहुंचने के लिए 60 साल से ज़्यादा कर्सा लग गया होगा। सीन्स फर्स्ट ही केम बाय दैट स्ट्रेंज एम्बिशन ऑफ हिज, उस वक्त से जब ये अजीब सा मकसद या अजीब सी धुन उसके जहन में समा गई थी। बट ही डिड इट, मगर उसने ये सब कर दिखाया या उसने इसकी तकमील कर दी। नॉट मैनी स्टिक टू अ थिंग फॉर अ सो लॉन्ग, और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इतना तवील अरसा किसी और मकसद एक ही मकसद के साथ साबित कदम रहें। वही बात आ गई कि जैसे उन्होंने शुरू में बात की थी कि अपॉर्चुनिटी तो सबको मिल जाती है, बार बार मौके मिलते हैं, लेकिन हज़ारों लाखों में सिर्फ एक लोग मिलते हैं, लेकिन जो डिटरमेंट होते हैं वो अपनी मंजिल को पा लेते हैं। बहुत सारे लोग अपनी मंजिल तक इसलिए भी नहीं पहुंच पाते क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं कि जो डिटरमेंट रहें, कहीं ना कहीं कुछ अरसे के बाद वो जो है अपने ट्रैक से उतर जाते हैं, उनकी डिटरमिनेशन ख़त्म हो जाती है और किसी और तरफ चले जाते हैं। वो कहते हैं इसलिए यहाँ पर ये बात हुई है कि उसने अपने मकसद को पा लिया था कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इतने तवील अरसे तक किसी एक मकसद के साथ साबित कदम रहें। ठीक है, यहाँ पे ये गॉर्जियस की जो स्टोरी है वो मुकम्मल हुई। अब आगे जो बात हो रही है वो जॉर्किंस की हो रही है। अब जॉर्किंस क्या कहता है, एंड जॉर्किंस अटर्ड अ क्वाइट साई, और जॉर्किंस जो है उसने ज़ेरे लब एक आह भरी, साई एक आह भरी, किस चीज़ की आह भरी, इज सो क्लियरली मॉर्निंग ओवर सम लॉस्ट एम्बिशन, एक ऐसी नाकाम या नामुराद ख्वाहिश पर सोग का एक वाज़े इजहार था। दैट ही हिमसेल्फ हैड गिवन अप, जिसे वो खुद तर्क कर चुका था। यहाँ वो बताते हैं कि जॉर्किंस ने ये सारी स्टोरी बताने के बाद एक बड़ी आह भरी, और वो आह किस बात को रिफ्लेक्ट कर रही थी, उस बात को रिफ्लेक्ट कर रही थी कि शायद उसकी भी ज़िंदगी में कोई ऐसी ख्वाहिश थी या उसकी कोई तमन्ना आरजू थी जिसमें वो नाकाम रहा, नामुराद रहा। तो वो कहते हैं कि वो इस ख्वाहिश पर वो आह भरना जो है उसका वाज़े इजहार था कि वो भी इस ख्वाहिश को तर्क कर चुका था। दैट नॉट इवन टर्बिट आस्क्ड हिम व्हाट इट वाज, और यहाँ तक कि टर्बिट ने भी इससे ना पूछा कि वो क्या ख्वाहिश थी, यानी कि टर्बिट भी उसकी बात को समझ गया है कि इसने जो लंबी आह भरी है तो यकीनन ये इसी का भी कोई ऐसा मकसद है जिस पर ये डिटरमिन नहीं रह पाया और उसने ये छोड़ दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम अपने देख लेते हैं वर्ड सिनोनिम्स कौन कौन से हैं हमारे इससे रेलिवेंट पैराग्राफ से। विक्ट्री है, आपको पता है विक्ट्री होता है कामयाबी, तो कंक्वेस्ट हो सकता है, सक्सेस होता है, ट्रायम्फ हो सकता है, तो सारे इसी के सिनोनिम्स हैं। इसके बाद स्लाइटली होता है, स्लाइटली होता है कदरे या किसी हद तक, थोड़ी सी हद तक, अ लिटल, अ बिट, तो ये सारे इसी के सेंस में आते हैं। रॉयल, रॉयल होता है शाहाना अंदाज से होना, शाही अंदाज से होना, तो किंगली आ सकता है। जेंटल, जेंटल का मतलब होता है पुरतपाक, पुरजोश अंदाज से, तो हार्टी। फिर है अप्लॉज, अप्लॉज का मतलब होता है दादे तहसीन देना, तालियां बजाना, तो क्लैपिंग आ सकता है इसका। अशोर, अशोर का मतलब होता है यकीन दिलाना किसी बात का, तो इंश्योर आ सकता है, मेक श्योर आ सकता है। ठीक है, इसके बाद है बो, बो होता है झुकना, दाब बजा लाना, नीचे को झुककर जो सलाम करते हैं उसको कहा जाता है, तो इंक्लिनेशन ऑफ द हेड, सर को झुकाकर तज़ीम जो इजहार किया जाए तो वो होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है अटर, अटर का मतलब होता है आह भरना, आह खारिज करना, आवाज़ निकालना, कोई एमिट यानी कि बाहर लाना। फिर मॉर्निंग, मॉर्निंग होता है सो करना, मातम करना, ग्रीविंग, सॉरोइंग, सारे इसी के मीनिंग है। और फिर इसके बाद गिवन अप, गिवन अप आता है तर्क कर देना, स्टॉप्ड, सीज्ड, लेफ्ट ऑफ, ये सारे इसी के मीनिंग्स हैं।